हर साल इन्हीं दिनों में ग्रोवर और उसका परिवार एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस साल वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ओह मम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस साल हम सबको मिलकर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। हम गेम्स नहीं खेल पाएंगे, कोई भी मेरे मजेदार डांस स्टेप्स नहीं देख पाएगा, और हम दादी के हाथ के टेस्टी राजमा भी नहीं खा पाएंगे। ओह, वो कितने टेस्टी राजमा बनाती हैं। ओह ग्रोवर, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं भी उदास हूँ, मगर हम एक दूसरे से दूर रहकर भी जुड़े रह सकते हैं। सच? कैसे? मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो दादी अपने टेस्टी राजमा बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। चलो देखें, हम किसे कॉल करके बिल्कुल वैसे ही राजमा बनाने के लिए मदद ले सकते हैं, और फिर तुम शायद अपने डांस स्टेप भी सबको दिखा सको। हा? ठीक है, तो हम पहले प्याज डालेंगे, है ना मम्मी? बिल्कुल सही, पहले प्याज और फिर टमाटर। क्या तुमने टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए? हाँ काट लिए, और मैंने बहुत ही प्यारे टुकड़े काटे हैं। ये देखो, अब हम डालेंगे स्पेशल मसाले। लो ग्रोवर, तुम डालो। इसकी खुशबू कैसी है? बहुत टेस्टी। खुशबू तो अच्छी होगी ही, अब इसके पकने का इंतजार करो। आह, इंतजार करते हुए हम क्या करें? फैमिली डांस पार्टी। ओके जी, लगता है राजमा तैयार है, चलो खाएं। हम दूर रहकर भी उन सब लोगों से जुड़े रह सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। Delicious.